हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ यस बैंक। तो फ्रेंड, यस बैंक का शेयर हमने देखा था, काफ़ी समय से 13 to 14 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था, यानी 13.30 13.50 इसी रेंज में चल रहा था। लेकिन आज इसने वो जो लिमिट था वो ब्रेक करके आज ऑलमोस्ट 5% अप इसने जो है रिटर्न दिया है। तो यहाँ से आगे मुझे लगता है इसकी रैली स्टार्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है क्या इस बैंक के बैंक से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मुझे इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे कि आज देखा है कि इसने ऑलमोस्ट 14.60 का हाई बनाया, विच विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू 6% होगा अगर हम 14.60 को कंसिडर करेंगे। और ये 13.80 से अप होना स्टार्ट हुआ था आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है यस बैंक से रिलेटेड जो मैंने आज देखी है, वो मैं आप लोगों के साथ इमीडिएटली शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ यस बैंक टू कंसिडर फंड रेजिंग ऑप्शन। तो मतलब जो यस बैंक का बोर्ड है वो अभी फंड रेज करने का ऑप्शन के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे इन डिटेल अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, द बोर्ड ऑफ यस बैंक विल मीट ऑन 10 जून 2021 टू कंसिडर एंड अप्रूव सिक शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर बोरोइंग रेजिंग फंड्स इन इंडियन फॉरेन करेंसी बाई इशू ऑफ डेप सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स मीडियम टर्म। सो ये वाला एक न्यूज़ दिया है उन्होंने। इसका एक्चुअल जो डिटेल्स रहेगी वो 10 जून को हमें देखने को मिलेगा कि एट द एंड ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड वो लोग क्या डिसाइड करते हैं। तो ये अगर न्यूज़ हम कंसिडर करेंगे फ्रेंड्स, तो इससे हमें दो चीज़ें समझने को मिलती है। एक, यस बैंक को स्टैंड करने में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है फिलहाल, जो भी डिसीजन मेकर्स है यस बैंक के, वो बहुत ही मतलब एस्पिरेटिव लगते हैं हमें। वो उनमें कुछ एस्पिरेशन है और वो यस बैंक को आगे लेके जाना चाहते हैं। इसी वजह से वो अलग अलग जो है स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहे हैं। उनमें से ये स्ट्रैटेजी भी बहुत पॉजिटिव लग रहा है। मतलब जब भी फंड रेज होगा यस बैंक के लिए, तो ऑब्वियसली यस बैंक ग्रो करेगा। यानी किसी भी बैंक को ग्रो करने के लिए उसके पास फंड होना बहुत ज़रूरी है, और इसी के चलते इन्होंने ये जो कदम है ये उठाने का डिसाइड किया है। आप लोगों को मैं एग्जैक्टली इसका जो अपडेट रहेगा इन डिटेल बताऊंगा 10 जून पे मुझे जैसे ही मिलता है। तो आप प्लीज़ मेरे नोटिफिकेशन आइकॉन जो है मेरे चैनल का, उसको दबा के रखिए ताकि मैं 10 जून को जैसे ही मुझे अपडेट मिलता है कि क्या फाइनल डिसीजन लेने वाला है बोर्ड ऑफ यस बैंक्स, तो वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप तक मैं लेटेस्ट न्यूज़ पहुँचा सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।